गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने अपना पार्ट ऑफ स्पीच टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। मीन्स कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच में जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये आठों के आठों टॉपिक हमने कंप्लीट पढ़ लिए। अब जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? तो देखो, आर्टिकल्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स जो हैं वो नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं, और आर्टिकल्स जो हैं दो प्रकार के होते हैं। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ए और एन होता है, जबकि डेफिनाइट आर्टिकल्स जो है वो द होता है। अब देखो, ए और एन का यूज़ कहाँ पे करते हैं? ए एंड एन डिटरमाइन एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, वाइल द डेफिनाइट आर्टिकल डिटरमाइन सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ए और एन जो है वो बताता है कि किसी एक चीज़ के बारे में, एक वस्तु है, एक थिंग है, एक पर्सन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए और एन यूज़ करते हैं। बट लेकिन जब हम किसी सम पर्टिकुलर पर्सन्स या फिर थिंग्स की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल द यूज़ करते हैं। जैसे देखो, आई रीड अ बुक, मैंने एक बुक पुस्तक पढ़ी, ये क्या है, कोई भी पुस्तक आपने पढ़ ली है, ठीक है। गिव मी द बुक, वह बुक मुझे दो। गिव मी द बुक, कौन सी बुक, मतलब कि कुछ स्पेशल बुक है, कौन सी बुक है, स्पेशल वाली बुक है, क्योंकि तो स्पेशल चीज़ों के लिए, पर्टिकुलर थिंग्स के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकल द यूज़ करते हैं। अब देखो बच्चों, आज हम देखेंगे कि आर्टिकल ए का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले देखिए, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। सबसे पहले तो हम सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल ए यूज़ करते हैं, जो कि किससे स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। आई सॉ अ बॉय, अ बॉय कॉन्सोनेंट साउंड बी, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल ए यूज़ किया। इट इज़ अ टेबल, कॉन्सोनेंट टी, तो इसलिए आर्टिकल ए। नेक्स्ट सेकेंड रूल है, बिफोर द वर्ड विच स्टार्ट विद द वोवेल बट इट साउंड इन कॉन्सोनेंट। ऐसे वर्ड्स के पहले जो शुरू तो किससे होते हैं, वोवेल से होते हैं, लेकिन साउंड किसका देते हैं, कॉन्सोनेंट का देते हैं। वोवेल कौन कौन से होते हैं हमारे, वोवेल्स जो हैं देखो पांच होते हैं हमारे, कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ एंड यू। इन साउंड्स के पहले जो है क्या करते हैं हम, आर्टिकल ए यूज़ एन यूज़ करते हैं, बाकी सभी के पहले आर्टिकल ए यूज़ होता है। वी आर द मेंबर्स ऑफ अ यूनियन, हम सभी जो हैं वो एक यूनियन के मेंबर हैं। यू वैसे तो क्या है, देखो वोवेल है, बट ये साउंड किसका दे रहा है, यूनियन, यू य, तो क्या है साउंड, वोवेल कॉन्सोनेंट का है, इसलिए हमने इसके पहले ए यूज़ किया। अ यूनिट ऑफ ब्लड इज सफिशियंट फॉर द पेशेंट, अ यूनिट ऑफ ब्लड, यूनिट ऑफ ब्लड, देखो यूनिट, यू, यू का साउंड, यू वैसे तो क्या है हमारा वोवेल है, बट साउंड किसका दे रहा है, कॉन्सोनेंट का दे रहा है, इसीलिए हमने इसके पहले आर्टिकल ए यूज़ किया। नेक्स्ट है, बिफोर द वर्ड वन डैट स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वा, ऐसे वर्ड्स के पहले जो कि वन, जिनके पहले लगा हो, लेकिन वो वन जो है वो किसका साउंड दे, व का साउंड दे, व, व, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए लगाते हैं। इट इज़ अ वन वे ब्रिज, वैसे ओ क्या है हमारा एक वोवेल है, बट ये साउंड किसका दे रहा है, कॉन्सोनेंट का दे रहा है, इसलिए हमने इसके पहले आर्टिकल ए यूज़ किया। वी सा अ वन आइड क्रो यस्टरडे, वन आइड क्रो, वन आइड क्रो, व का साउंड दे रहा है, इसलिए हमने इसके पहले आर्टिकल ए लगाया। अगर ये ओ का साउंड देता तो हम क्या लगाते, आर्टिकल एन यूज़ करते। नेक्स्ट, बिफोर प्लूरल नाउन्स हैविंग वर्ड्स लाइक मैनी, थाउजेंड, ग्रेट, बिफोर, फ्यू, बिफोर देम, ऐसे वर्ड्स के पहले, प्लूरल वर्ड्स के पहले, देखो प्लूरल नाउन्स के पहले, जैसे कि मैनी, थाउजेंड, ग्रेट, फ्यू, इनके पहले भी हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए यूज़ करते हैं। अ मैनी बॉयज आर इन द स्टेडियम, अ मैनी बॉयज, बहुत सारे बॉयज़ जो हैं वो स्टेडियम में हैं। अ फ्यू गर्ल्स आर रीडिंग द देयर बुक्स, कुछ लड़कियां जो हैं वो अपनी पुस्तकें पढ़ रही हैं। तो बच्चों देखो, आज हमने क्या पढ़े, आज हमने पढ़े आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनाइट आर्टिकल, डेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स जो है वो ए और एन होते हैं, और डेफिनाइट आर्टिकल होते हैं द। उसके बाद हमने पढ़ा यूज़ ऑफ ए। इनडेफिनाइट आर्टिकल में हमने पहला आर्टिकल ए का यूज़
पढ़ा। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि आर्टिकल ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और कॉन्सोनेंट साउंड हो उनके पहले यूज़ किया जाता है। दूसरा, ऐसे वर्ड्स जो कि स्टार्ट तो वोवल से होते हैं लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का दे उनके पहले भी हम आर्टिकल ए यूज़ करते हैं। थर्ड जो है कि ऐसे वर्ड्स जिनमें वन हो लेकिन ओ जो है वो किसका साउंड देता है, व का साउंड देता है, वहाँ पर भी हम आर्टिकल ए यूज़ करते हैं। और लास्ट रूल जो है, ऐसे प्लूरल नाउंस के पहले जैसे कि मैनी, थाउजेंड, ग्रेट, फ्यू, इनके पहले भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, कल हम अपना इंडेफिनेट आर्टिकल में एन का यूज़ पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।